हेलो डियर फ्रेंड, टुडे वी लर्न यूनिट नंबर 4, लेसन नंबर 5, द हेल्पफुल गर्ल, स्टैंडर्ड 1, सब्जेक्ट इंग्लिश बाल भारती। बिफोर स्टार्ट दिस लेसन, इफ यू विजिट माय चैनल फर्स्ट टाइम, होम स्कूल बाय राउत टीचर, सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन, वीडियो लाइक एंड शेयर। फर्स्ट, रीड एंड डिस्कस। इस लेसन को हमें रीड करना है और उसके ऊपर डिस्कस यानी चर्चा करनी है। नाउ स्टार्ट। वंस देयर लिव अ गर्ल रीमा, शी वॉज वेरी वेरी हेल्पफुल। व्हेन शी वेंट टू स्कूल, शी हेल्प एवरीवन इन द क्लास। व्हेन शी केम बैक होम, शी हेल्प हर मदर एंड फादर। When she went to the playground, she pick up small stone and thorn. When she went for a picnic, she took care of her friend. When she went to a shop, she selected thing carefully. She made greeting cards for her friends and gave them on their birthday. She was the best girl in our school. Now explain and discuss the lesson. Once there lived a girl, Rima. She was very very helpful. एक जगह एक लड़की रहती थी, उसका नाम रीमा था। वह बहुत ही मददगार लड़की थी। Look at this picture. ये पिक्चर देखो, ये पिक्चर में जो ये लड़की है ये है रीमा। ये रीमा बहुत ही मददगार है, बहुत ही हेल्पफुल है। ये देखो, ये एनिमल्स को देखो, ये बिल्ली है, इसे यह दूध दे रही है। व्हेन शी वेंट टू स्कूल, शी हेल्प एवरीवन इन द क्लास। जब वह रीमा स्कूल जाती थी तब वह कक्षा में सभी की हेल्प करती थी, हर एक स्टूडेंट को वह मदद करती थी। लुक एट दिस पिक्चर्स, इस पिक्चर में देखो, ये है रीमा जो उसकी सहेली जो उसकी फ्रेंड है इसे वह हेल्प कर रही है। व्हेन शी केम बैक होम, शी हेल्प हर मदर एंड फादर। लुक एट दिस पिक्चर, ये पिक्चर देखो, ये रीमा जब स्कूल से घर आती है तो वह घर में मम्मी को काम में हाथ बटाती है, अपने पिताजी को भी वह हेल्प करती है। स्टूडेंट, आप भी घर में अपने मम्मी और पापा को मदद करते हो ना? हाँ, उसी तरह ये रीमा भी अपने मम्मी और पापा को घर में काम में मदद करती है। व्हेन शी वेंट टू द प्लेग्राउंड, शी पिक अप स्मॉल स्टोन एंड थॉर्न। जब रीमा खेल के मैदान में गई तो उसने छोटे छोटे पत्थर और कांटे उठा लिए थे। उसने ऐसा क्यों किया था? क्योंकि जब बच्चे यानी उसके फ्रेंड जब मैदान में खेलने आए तो उन्हें वह पत्थर चुभे नहीं। पत्थर और कांटे चुभने से उन्हें दर्द होगा, इसलिए रीमा ने मैदान में आते ही वहाँ के छोटे छोटे पत्थर और कांटे को उठा के बाहर फेंक दिया। व्हेन शी वेंट फॉर अ पिकनिक, शी टुक केयर ऑफ हर फ्रेंड। जब रीमा जब भी पिकनिक पे जाती थी तो वह अपने फ्रेंड का हमेशा ख्याल रखती थी, सभी फ्रेंड का वह ख्याल रखती थी। जैसे आप पिकनिक पे जाते हो तब अपने फ्रेंड का ख्याल रखते हो ना? हाँ, उसी तरह से रीमा भी अपने फ्रेंड का ख्याल रखती थी। व्हेन शी वेंट टू अ शॉप, शी सिलेक्टेड थिंग्स केयरफुली। जब वह सामान खरीदने के लिए दुकान जाती थी, कौन जाती थी? रीमा। हाँ, जब रीमा सामान खरीदने के लिए दुकान जाती थी तब वह हर एक चीज़ को केयरफुली सिलेक्ट करती थी। जो चीज़ें ज़रूरी है वही चीज़ें वह खरीदती थी। स्टूडेंट, आप भी जब दुकान जाते हो तब ऐसे ही करते हो ना, कि जो चीज़ ज़रूरी नहीं है वो भी चीज़ खरीदते हो? लेकिन रीमा जो चीज़ ज़रूरी है वही चीज़ वह खरीदती थी। शी मेड ग्रीटिंग कार्ड्स फॉर हर फ्रेंड्स एंड गेव देम ऑन देयर बर्थडे।
किसी भी फेस्टिवल या बर्थडे के लिए हम जो दोस्तों को देने के लिए जो कार्ड बनाते हैं उसे ग्रीटिंग कार्ड कहते हैं। रीमा अपने दोस्तों के लिए खुद ग्रीटिंग कार्ड बनाती थी और वह उस कार्ड को अपने फ्रेंड को उनके बर्थडे पर देती थी। स्टूडेंट, आप भी अपने दोस्त के बर्थडे पर अपना बनाया हुआ ग्रीटिंग कार्ड जरूर देना, ठीक है। शी वॉज द बेस्ट गर्ल इन अवर स्कूल। शी यानी वह कौन है? रीमा। रीमा यह स्कूल की बहुत ही अच्छी लड़की थी। इस तरह से यह लेसन है। इस लेसन में रीमा जो कि बहुत ही अच्छी लड़की है वो हर एक की हेल्प करती थी, जैसे घर में मम्मी पापा को हेल्प करती थी, क्लास में अपने फ्रेंड्स को हेल्प करती थी, पिकनिक में भी अपने दोस्तों को हेल्प करती थी, बर्थडे में ग्रीटिंग्स कार्ड बना के ले जाती थी। ऐसी ही हेल्प आपको अपने घर में, अपने फ्रेंड्स को, अपने आजू बाजू में हर एक जगह करनी है। आप करोगे ना ऐसी मदद? बिल्कुल सही, आपको भी रीमा की तरह ही हेल्पफुल बनना है। ओके, चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड, राइट द एक्शन दैट रीमा डिड। लेसन में रीमा ने जितनी भी एक्टिविटी की है वह हमें यहाँ पे बतानी है। आंसर, रीमा वेंट टू स्कूल। रीमा हेल्प एवरीवन इन द क्लास। रीमा हेल्प हर मदर एंड फादर। रीमा पिक अप स्मॉल स्टोन एंड थॉर्न। रीमा सिलेक्ट थिंग्स केयरफुली। रीमा मेड ग्रीटिंग कार्ड्स। थर्ड, हार्ड वर्ड्स। फर्स्ट, हेल्पफुल। एवरीवन, प्ले ग्राउंड। स्टोन, थॉर्न्स। पिकनिक, सिलेक्टेड। केयरफुली, बर्थडे। ग्रीटिंग कार्ड्स, मदर, फादर, स्कूल। आई होप यू अंडरस्टैंड द लेसन द हेल्पफुल गर्ल। सो प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। ऐसे ही आगे की वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की बटन दबाइए। थैंक यू।